एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा हिस्ट्री क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप चाहे तो पहले वो देख लीजिए जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। सो इफ़ेक्ट्स से रिलेटेड भी हमने काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स की। आज हम बात करेंगे मिलिट्री और इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो हम मिलिट्री इफ़ेक्ट के बारे में पहले देख लेते हैं कि आपको पता है 1857 के रिवोल्ट के बाद जो 1858 में रॉयल प्रोक्लामेशन हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंगली जो कंपनी से सर्विस लेकर जो है अब बेसिकली क्या हुआ था, पूरा पावर जो है वो कंपनी से लेकर अब किसके हाथ में आ गया था, इट वाज ट्रांसफर टू क्राउन, मतलब जो क्वीन विक्टोरिया है, जो रानी है इंग्लैंड की, अब उनके हाथ में, क्राउन के हाथ में कंट्रोल आ गया है। और इसकी वजह से बर्थ होता है इंडियन आर्मी का, और इसके इसके साथ साथ नेवल फोर्सेस भी इसके साथ अटैच कर दी जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो यूरोपियन एलिमेंट था इंडियन आर्मी में, जो आर्मी के अंदर, उसको स्ट्रेंथन किया जाता है। बिकॉज देखिए, क्योंकि जो इंडियन सोल्जर्स थे 1857 के रिवोल्ट में, क्या था, इंडियन सोल्जर्स की जो नेटिव सोल्जर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी यूरोपियन सोल्जर्स के मुकाबले, और क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी तो जिसकी वजह से रिवोल्ट में, मतलब इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब यहाँ पे मेक श्योर किया गया कि इनकी जो पावर है, जो इनकी स्ट्रेंथ है, इनको कर्ब किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। तो इसी वजह से आर्मी में यूरोपियन पावर को ज़्यादा बढ़ाया गया, ठीक है। तो यूरोपियन ट्रूप्स के नंबर को इंक्रीज़ किया गया। जैसे अगर बंगाल की बात करें तो 1/2 ट्रूप पे होता था एक यूरोपियन ऑफिसर, और मद्रास और बॉम्बे की बात करें तो वहाँ पे 1/3 पे होता था एक यूरोपियन ऑफिसर। तो बेसिकली यूरोपियन एलिमेंट को बढ़ाया गया इंडियन आर्मी में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिलरी की अगर बात करें तो वो भी इंडियंस के हाथ से ले ली गई, और वो भी किसके हाथ में आ गई, कम्प्लीटली यूरोपियंस के हाथ में। क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि जो इंडियन सोल्जर्स के सोल्जर्स थे उनके पास हथियार थे, तो इसी वजह से वो रिवोल्ट में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लड़े। अब इन्होंने क्या किया, आर्टिलरी उनके हाथ से छीन ली कि अगर कल को कभी रिवोल्ट भी होता है तो उनके पास हथियार ही ना हो जिसकी मदद से वो लोग लड़ पाएँ। सो अब वो पूरा का पूरा आर्टिलरी डिपार्टमेंट वो आ गया यूरोपियंस के पास। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि जो सिपाही थे, जो सिपाहीज थे, उनको दूर दराज के रूरल इलाकों से जो है रिक्रूट किया गया, ऐसे इलाकों से रिक्रूट किया जो कि न्यूट्रल थे और जो कि ब्रिटिशर्स के साथ थे। तो ऐसे लोगों को आर्मी में रिक्रूट किया जो कि लॉयल थे ब्रिटिशर्स के लिए। तो इसकी वजह से क्या, इन्होंने एक और बड़ी टैक्टिस चली, इस वजह से इन्होंने अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया की के जो सोल्जर्स थे उनको बोला गया ये नॉन मार्शल रेज हैं, और दूसरी साइड में जो सिख थे, गोरखास थे, पठान थे, उनको बोला ये मार्शल रेज है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, आपस में ही सिपाहियों को लड़ाते रहो, उनमें, उनके बीच में डिवाइड क्रिएट करते रहो और आराम से रूल करते रहो। तो बेसिकली यही कर रहे थे ये। तो एक पर्टिकुलर लोगों को, सोल्जर्स को बोल दिया कि वो नॉन मार्शल है इसलिए रिक्रूट नहीं कर रहे, और एक को बोल दिया कि आप मार्शल हैं। तो इस तरीके से इन्होंने एक दूसरे के प्रति लोगों को भड़काया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी कोशिश करी गई कि जो सोल्जर्स हैं हर एक नेशनल, चाहे वो डिफरेंट नेशनैलिटी रीजन के हों या फिर डिफरेंट कास्ट के हों, उनको एक ही रेजिमेंट में डाल दो, जिससे कि क्या हो कि किसी एक पर्टिकुलर जो कास्ट है या रीजन है उसकी डोमिनेंस ना हो पाए, जिससे कि वो डोमिनेट ना कर पाए। तो इस तरीके से मिक्सचर कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बढ़ाया आर्मी के अंदर, और कोई अगर कोई गलत काम करता था तो उसको बहुत ही सीवियरली पनिश किया जाता था, एंड एफिशिएंट बनाया गया, और आर्मी को, मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाया गया, डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन बनाए गए, ठीक है। सो ये चीज़ थी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने करी कि अगर प्रमोट किया जा रहा है किसी नेटिव ऑफिसर को, तो वो सीनियोरिटी के बेसिस पे नहीं होगा, रादर एफिशिएंसी के बेसिस पे होगा। तो अगर एक सोल्जर बहुत सालों से आर्मी में है तो भी उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, अब किस बेसिस पे होगा, अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको प्रमोशन दिया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि जो नेटिव ट्रूप्स थे उनको बेसिकली थोड़ी फ्रीडम दी गई कि जिस इलाके के हैं वो उस हिसाब से जो इंडियन ड्रेसेस हैं, इंडिया जो यूनिफॉर्म है, एज अ यूनिफॉर्म वो अपने हिसाब से वो पहन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया,
डिवाइड एंड कॉन्शियसली वो ये चीज़ कर रहे थे, जानबूझकर ये चीज़ कर रहे थे कि डिवाइड एंड रूल. तो इस वजह से इन्होंने एक और चीज़ करी कि ऐसी रेजिमेंट्स क्रिएट करी जो कि कास्ट के बेसिस में, कम्युनिटी और रीजन के बेसिस में अलग अलग थी, जिससे कि क्या हो कि ये रेजिमेंट्स एक साथ कभी मिलकर लड़े ना, इनमें हमेशा डिवाइड रहे. तो ये कॉन्शियसली किया गया कि अलग, जैसे सपोज एक पर्टिकुलर कास्ट की एक अलग रेजिमेंट बना दी, रीजन की अलग रेजिमेंट बना दी, या कम्युनिटी की अलग रेजिमेंट बना दी, जिससे कि कभी सॉलिडैरिटी या नेशनैलिटी की फीलिंग बढ़े ही ना. और इन्होंने क्या किया, जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनको बहुत ज़्यादा मतलब सैलरी एज कम्पेयर टू जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके कंपैरेटिवली 4 or 5 times ज़्यादा उनको सैलरी दी गई. सो नेचुरली नेचुरल दैट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स रिजल्टेड इन अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर. अब क्योंकि जो यूरोपियन सोल्जर है उसको इंडियन सोल्जर से ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो इसकी वजह से जो है आर्मी का एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा. और क्योंकि खर्चा बढ़ेगा तो वो खर्चे का बर्डन किस पे आएगा, वो ऑटोमेटिकली इंडियंस के ऊपर ही आएगा. तो नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक इफेक्ट. तो इकोनॉमिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का या आप देखेंगे ब्रिटिशर्स का जो एक्सपेंशन का दौर था वो अब ख़त्म होता है और यहाँ से शुरू होता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल. ठीक है, लोगों को अब बहुत बुरी तरह उनका शोषण किया गया. अब देखो ब्रिटिशर्स को ये मालूम था कि इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलोनी है उनके लिए, बहुत ही रिच कॉलोनी है, तो इसी वजह से अब देखेंगे ब्रिटिश मर्चेंट्स यहाँ पे कैपिटलिस्ट जो क्लास थी वो फर्दर इंक्रीज करी गई और इस तरीके से पूरे प्लान्ड तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया गया. और हम देखते हैं क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स का काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उसके लिए इन्होंने इंडियंस को सजा दी बेसिकली. और क्या करते थे ये आप देखोगे, जो पूरा का पूरा बर्डन था रिवोल्ट का, जो भी फाइनेंशियल, वो सारा इंडियंस के ऊपर डाल दिया गया. पब्लिक डेट जो इंडिया का था उसको बढ़ा के कर दिया गया 98 million sterling. स्टर्लिंग क्या है, ये ब्रिटिश मनी है. और उसके ऊपर एनुअल इंटरेस्ट भी चार्ज किया गया अराउंड 2 million sterling का. सो अब आप देखेंगे और ये सब, ये सारा पैसा वो किस तरीके से लेते थे, रेवेन्यू के थ्रू लेते थे. तो लोगों के ऊपर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया. और इन्होंने क्या किया जैसे कि, और मतलब ये बेसिकली इंडियंस की फीलिंग्स के सेंटिमेंट्स को बिल्कुल नहीं समझ रहे थे, वो कोशिश यही कर रहे थे कि कितना ज़्यादा इनसे जो है कमाया जाए, पैसा प्रॉफिट लिया जाए. तो अब जब ब्रिटिश आर्मी मार्च करती थी तो उस लाइन में बहुत सारे विलेजेस आते थे, तो उनको बिल्कुल जला दिया जाता था. ठीक है, और वहाँ पे आप देखेंगे कल्टीवेटर्स वहाँ से भाग जाते थे, और जिसकी वजह से आप देखोगे आगरा में 1861 में सीवियर फेमिन आता है. और यहाँ से आप देखेंगे कि फेमिन की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है, लगातार बंगाल में फेमिन आता है. तो वो इलाके जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में बढ़ चढ़ कर ब्रिटिशर्स के खिलाफ हिस्सा लिया था, उन इलाकों के साथ मतलब बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है और उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है. इसी वजह से उन इलाकों में आप देखो कि फेमिन बढ़ते जाते हैं. लखनऊ और कानपुर के इलाके भी आप देखो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं. दिल्ली भी वर्चुअली इट वाज डीपॉपुलेटेड. तो इस तरीके से आप देखेंगे पूरी प्लानिंग के साथ लोगों को इकोनॉमिकली सप्रेस किया जा रहा था. और आप देखोगे नेक्स्ट, इसके अलावा और भी स्टेप्स लिए गए जिससे कि कमर्शियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो ऐसी क्रॉप्स ग्रो की जाए जो कि उनको फ़ायदा दे. तो यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट अर्निंग पे था, इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्निंग में था, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आम आदमी की क्या हालत हो रही है. इसके साथ साथ उन्होंने ट्रेड को एक्सपेंड किया, इंडस्ट्रीज़ डेवलप करी इंडिया में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया. ठीक है, और इस फील्ड में आप काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी लेकर आए जिससे कि क्या हो, डेवलप हो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, जिससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसका हो, ब्रिटिशर्स का. इसके अलावा एज द ब्रिटिश कॉन्सेंट्रेटेड मिलिट्री रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरियाज, मेनी पॉलिसीज वर एनेक्टेड टू गेन द लॉयल्टी ऑफ द पेजेंट्री. तो देखिए क्योंकि आप जैसे हमने पहले अभी पढ़ा था मिलिट्री रिफॉर्म्स में कि ऐसी जगहों से, ऐसे ग्रामीण इलाकों से लोगों को लिया गया जो कि ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल हो, तो इस वजह से उन इलाकों में कुछ आप देखेंगे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी किए जिसकी वजह से पेजेंट्री उनके लिए लॉयल हो जाए. सो आप देखेंगे इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया गया यहाँ पे, लार्ज ट्रैक्स ऑफ द लैंड मेड कल्टीवेबल, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके जो है वो खेती बाड़ी के लिए उसको बनाया जाए, कल्टीवेट किया जाए, जिससे फिर अगेन क्योंकि खेती बाड़ी बढ़ेगी तो रेवेन्यू ज़्यादा आएगा जिससे उनको फ़ायदा होगा. और ये पंजाब के इलाके में काफ़ी ज़्यादा किया गया.
और इसके अलावा वो लोग जिन्होंने अच्छी मिलिट्री सर्विस दी थी, मतलब जैसे कि 1857 में भी रिवोल्ट में उनका साथ दिया था, तो उनको भी रिवॉर्ड किया गया, उनको लैंड जो है अलॉट की गई, तो इस तरीके की चीज़ें की गई। और इसके साथ साथ सर्टेन एजुकेशनल एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स वर अंडरटेकन। आगे चलकर आप देखेंगे एजुकेशनल और जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आए। 1857 में यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई तीन जगहों पे, कहाँ पे? कैलकटा, मद्रास और बॉम्बे में। इसके अलावा जो पीनल कोड था ऑन विच लॉर्ड मैकॉलिस कमीशन हैड बिगन वर्क सो फॉर सो मेनी ईयर्स बिफोर बिकेम द लॉ ऑफ लैंड। तो अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, जो कंपनी की सदर कोर्ट थी और जो क्राउन का सुप्रीम कोर्ट था उसको एक साथ जोड़ दिया गया और इस तरीके से बना हाई कोर्ट। और ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? प्रेसिडेंसी हेडक्वार्टर्स में। इसके अलावा इंडियंस वर ड्रॉन इन टू गवर्नेंस एट अ लोकल लेवल। देखिए लोकल लेवल पे भी आप देखोगे पुलिस सिस्टम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है कि जो लोकल लेवल पे, मतलब बिल्कुल गांव के इलाकों में जहाँ पे गवर्नेंस की जा रही है, तो वहाँ पे नेटिव लोगों को जो है रिक्रूट किया गया उस पर्पस के लिए। और इस वजह से इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा दिया। अब क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ेगी तो वो जो लोग थे वो वेस्टर्न एजुकेशन को गेन करेंगे, तो एक आप देखोगे इसकी वजह से मिडिल क्लास भी जो है राइज कर रही है, क्योंकि वो मॉडर्न एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं एंड दे वर सर्विंग एज अ ऑफिशियल्स अंडर ब्रिटिशर्स। तो इसकी वजह से आप देखोगे उनको एम्प्लॉय किया गया एडमिनिस्ट्रेशन में, और इस तरीके से मिडिल क्लास की शुरुआत होती है, जो कि देखने में तो इंडियंस हैं बट उनकी जो तौर तरीके हैं, जो उनकी लॉयल्टीज़ हैं, जो थॉट प्रोसेस है, वो किसके लिए हैं? ब्रिटिशर्स के लिए हैं। तो कॉन्शियसली ये सारी चीज़ें की गई ब्रिटिशर्स द्वारा, जिससे कि वो ज़्यादा लंबे समय तक इंडिया पर रूल कर पाएँ और जितना ज़्यादा हो वो इंडिया से प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो ओवरऑल हम यही देखेंगे कि 1857 का रिवोल्ट काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर वीर सावरकर की बात करें हम, तो वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी उसको कहते हैं, ठीक है। खैर अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, बट ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं ओवरऑल 1857 के रिवोल्ट की, तो आप देखोगे फार चेंजिंग इफेक्ट्स आते हैं उसके बाद। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था जिससे कि लोगों में एक तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग भी कहीं ना कहीं उसकी बढ़ने की शुरुआत होती है, और ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, डिवाइड एंड रूल करते हैं। अब आप देखोगे जो गैप है लोगों के बीच में वो सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, कम्यूनिटी के बेसिस पे, रीजन या कास्ट के बेसिस में है। तो अब वो डिवाइड एंड रूल को बहुत और शिद्दत से इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके से। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी है दादा भाई नौरोजी ने, तो उस पे अगर हम नज़र डालें तो पूरी तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया। सारा का सारा पैसा जो है वो कहाँ लेकर? अपनी कंट्री में ले गए, और यहाँ पर पूरा लोगों को बिल्कुल गरीब कर दिया। इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कि कितने गरीब हैं लोग, और वो पूरी की पूरी उन्हीं के ब्रिटिशर्स की मर्सी पर डिपेंडेंट हैं। ये था आज का वीडियो। खैर इसी के साथ जो 1857 का रिवोल्ट का टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कॉजेज, इसके बाद बिगनिंग एंड स्प्रेड, मेन इवेंट्स, नेचर ऑफ द रिवोल्ट एंड इफेक्ट्स। तो आई होप आपको ये सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।